हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक भगवान किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम शिमला मिर्च चने की दाल के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने चने की दाल को गलाकर और एक विसल ले ली है। ये देखिए, पक चुकी है दाल, पकी हुई दाल है। साथ में मैंने 4-5 हरी मिर्च ली है, प्याज कट की है, लहसुन को छील लिया, यहाँ पर टमाटर भी लिए, लहसुन प्याज और इसमें से 2-3 हरी मिर्च का हम पेस्ट तैयार करेंगे। टमाटर को कट करेंगे, शिमला मिर्च को भी कट करेंगे। ये फ्रेंड सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहें तो चने की दाल को गलाकर भी बना सकते हैं। वैसे तो जब भी हम शिमला मिर्च बनाते हैं तो हम आलू के साथ बनाते हैं, अधिकतर बेसन के साथ बनाते हैं, या दूसरी सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाते हैं, या जैसे पिज्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। लेकिन आप इस तरह से चने की दाल के साथ बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, इसके लिए मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया है, टमाटर को कट कर लिया है और हरी मिर्च को भी लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, 2 को। दाल बॉयल है ही सही, और प्याज लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया। आप चाहे तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हमारी हम सब्जी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल चढ़ा दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी। खाने में बेहद टेस्टी बनती है, बिल्कुल डिफरेंट सब्जी है, ये आप बना के ट्राई करिए। यहाँ पर थोड़े से मैंने साबुत मसाले लिए, जैसे कि तेज पत्ता और 2-4 लौंग और 2-4 ही काली मिर्च। आप और भी गरम मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग लिए, मसाले हमारे भून रहे हैं। अब इसमें मैं जो प्याज का पेस्ट तैयार किया है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। बिल्कुल नई स्टाइल की है फ्रेंड ये शिमला मिर्च। आप इस तरह से बना के खाइए, बिल्कुल रॉयल और बहुत टेस्टी है। आप इसको कभी भी बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी। मसाले को हम अच्छे से तैयार करेंगे फ्रेंड। अच्छे से सेकना है हमको मसाले को, ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे फ्रेंड। ये देखिए, ब्राउन होने तक मैंने प्याज के पेस्ट को अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम ड्राई मसाले हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स। पिसी मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी, इनको हम पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये नई स्टाइल की सब्जी है फ्रेंड, आप बनाइए। आपके गेस्ट अगर घर में आ रहे हैं आप उनको बना के खिला सकते हैं, वो लोग भी खा के जाएंगे और फिर वो भी अपने घर पे बनाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है सब्जी, किसी भी ओकेजन पे आप इसको बना सकते हैं। पहले आप एक बार बना कर देखिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप कभी भी इसको बना सकते हैं। टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, आप टमाटर की प्यूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने कट करके डाले क्योंकि देसी टमाटर हैं तो ये इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, सॉफ्ट भी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसका पेस्ट तैयार नहीं किया, इनको कट करके डाला। और कटे हुए टमाटर ज़्यादा दिखने में भी अच्छे लगते हैं सब्जी में, और टेस्ट भी इनका ज़्यादा अच्छा लगता है। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर देते हैं नमक को भी। इसको हम ढक के पकाएंगे फ्रेंड, सॉफ्ट होने तक टमाटर को। काफी हेल्दी सब्जी भी है क्योंकि इसमें शिमला मिर्च भी है और प्रोटीन के हिसाब से इसमें दाल भी है, टमाटर भी काफी है। इसमें आगे मसालों में मैं दही भी यूज करूंगी, जो कि काफी हेल्दी बन जाती है सब्जी। टेस्टी तो फ्रेंड है ही, आप बना के खाएंगे तो काफी आपको रॉयल भी लगेगी ये सब्जी। ये देखिए, टमाटर पक चुके हैं, इनको मैंने अच्छे से ढक के पकाया था। अब इसमें फ्रेंड मैं घर की फ्रेश मलाई ले रही हूँ, आप चाहें तो क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप घर की फ्रेश मलाई लीजिए। और ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि जब हम मलाई का यूज़ करते हैं तो सब्ज़ी की जो खटाई होती है वो कम हो जाती है। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो फिर आप इसको मत डालिए, लेकिन मलाई के डालने से टेस्ट जो सब्ज़ी का एकदम रॉयल आता है फ्रेंड, तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको डालते हैं स्किप करते हैं।
अब इसमें मैं दही भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 खटाई इसमें यूज़ किए फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा टमाटर और दही। लेकिन जब हम ये सब्ज़ी पूरी रेडी करते हैं तो इसमें ज़्यादा खटाई आप खा के देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें ज़्यादा खटाई का यूज़ होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 खटाई लिए। आप चाहें तो आप इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं या इमली का पल्प भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनेगी। मलाई डाल रहे हैं तो आप खटाई ज़्यादा इसमें ऐड करिए, उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और अगर आप मुगलई चने की दाल और शिमला मिर्च बनाना चाहते हैं तो इस समय पर काजू बादाम का पेस्ट और कसूरी मेथी ऐड करिए तो आपको बिल्कुल मुगलई चने की दाल और शिमला मिर्च की सब्ज़ी मिलेगी, जो कि खाने में बेहद टेस्टी होती है। ये भी बेहद टेस्टी है, इसमें सिर्फ काजू का पेस्ट की कमी है फ्रेंड और कसूरी मेथी की। इसको हम ढक के पकाते हैं थोड़ा दही को। ये देखिए दही ने भी हमारे तेल छोड़ दिया, दही भी हमारा पक चुका है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड करूंगी। यहाँ पर शिमला मिर्च फ्रेंड मैं पहले ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने चने की दाल बॉईल करके रखी हुई है। अगर आप कच्ची चने की दाल मतलब बना रहे हैं, आपने बॉईल नहीं करी है, तो पहले आप इसमें फिर चने की दाल ऐड करिए क्योंकि चने की दाल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। पहले चने की दाल पका कर और जब चने पहले गला के रख देंगे हम, फिर हम इस मसाले में ऐड करेंगे और जब 1/4 हमारी चने की दाल पक जाएगी फिर हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने दाल बॉईल की हुई है इसलिए मैंने यहाँ पर पहले शिमला मिर्च ऐड कर दी है। तो आप ध्यान रखिए अगर आपकी कच्ची है दाल तो आप पहले दाल पकाइए फिर आप शिमला मिर्च ऐड करिए। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पकाएंगे। और फ्रेंड आप इसको अगर ड्राई खाना चाहते हैं तो कम पानी डालिए, लेकिन अगर आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा, जैसे भी आपकी मर्जी। दोनों प्रकार से सब्जी अच्छी लगती है फ्रेंड। ये देखिए शिमला मिर्च भी पक चुकी है और मसाला हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब जो दाल है हमारी पकी हुई वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट और बहुत टेस्टी सब्जी है फ्रेंड, एक बार आप बनाइए आपको बहुत अच्छी लगेगी। चने की दाल आप कच्ची बनाते हैं या बॉयल आप इसमें ऐड करते हैं वो आपकी चॉइस है फ्रेंड, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप कच्ची दाल यूज़ कर रहे हैं गली हुई तो आप पहले दाल को पकाइए। अगर आप साथ में ही चने की दाल और शिमला मिर्च डाल देंगे कच्ची तो फिर शिमला मिर्च जल्दी पक जाएगी और दाल कच्ची रह जाएगी तो सब्ज़ी हमारी बिगड़ जाएगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेवी आपके ऊपर है, अगर आप थिक ग्रेवी चाहते हैं तो आप कम डालिए और अगर आप रनी चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए। हमारी सब्जी लगभग तैयार ही है, इसको थोड़ा सा हम ढक के पकाएंगे। ये जो मैंने हरी मिर्च के पीस कट करके रखे थे ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये पिसा हुआ गरम मसाला ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फ्रेंड। अब इन सब मसालों को हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, कच्ची मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी, इसको हम थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। वैसे हमारी सब्जी रेडी है तो और ज़्यादा ही टेस्टी हो जाएगी और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी हमारी सब्जी। 2 मिनट में इसको ढक के पकाती हूँ। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल फ्रेंड रेडी है, सारा मसाला बिल्कुल एक सार हो चुका है, गरम मसाला सब अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूंगी। बिल्कुल रॉयल सब्जी है फ्रेंड ये और मुगलई हो जाएगी। देखिए अगर आप काजू का पेस्ट डाल देंगे काजू बादाम का तो मुगलई हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड सब्जी मैंने निकाल ली है, बेहद टेस्टी बनी है फ्रेंड। आप भी इसको बनाइए, आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ और फ्रेंड नान के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, तंदूरी रोटी के साथ भी, तो आप सभी के साथ इसको खा सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप भी इसी रेसिपी से बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।